नमस्कार मित्रों, मैं पंडित देवेश पंडा ज्योतिष आचार्य आज पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं फरवरी 2020 मकर राशि वाले जातकों का भविष्य कैसे जाने वाला है, इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। मित्रों, मकर राशि वाले जातक इधर ध्यान देवे, उससे पहले मित्रों मेरा एक प्रेम भरा आपसे निवेदन, अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं कंटिन्यूशन में वीडियो डाल रहा हूँ। मित्रों, कृपया लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, अपनी राय जरूर दें और बेल आइकन का बटन को प्रेस कर दें जिससे कि मेरे वीडियो समय रहते आपको मिल जाया करें। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों, अपन समझते हैं फरवरी 2020 मकर राशि। मकर राशि का फरवरी का शुरुआती महीने का शुरुआती समय काफी अच्छा प्रतीत नहीं हो रहा है। मित्रों, आप जहां कार्यरत हैं, आपके कार्य क्षेत्र में आपको झूठे इल्जामों में फंसाया जा सकता है, तो काफी सतर्क रहने की जरूरत है। किंतु यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। आपके व्यापार में बढ़ोतरी होने वाली है और विस्तार के योग नजर आ रहे हैं। मित्रों, विद्यार्थियों के लिए भी ये महीना कुछ रुकावटपूर्ण दिखाई दे रहा है। मित्रों, हो सकता है कुछ रुकावटों का सामना करना पड़े, कुछ परेशानियों का सामना करना पड़े विद्यार्थियों को, तो विशेष ध्यान देने की जरूरत है विद्यार्थियों को। लेकिन शुरुआती दिक्कतों के बाद बाकी का पूरा महीना बहुत ही बेहतरीन जाने वाला है मकर राशि का। ये काफी अच्छी बात है मकर राशि के जातकों के लिए। पारिवारिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो मकर राशि का यह महीना काफी अच्छा जाने वाला है। परिवार में किसी मंगल कार्य संपन्न होने के योग नजर आ रहे हैं। मित्रों, अर्थात कोई शादी विवाह या कोई शुभ कार्य आपके परिवार में हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है मित्रों, तो वहां भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। हाँ, लेकिन खुशी की बात यह है मित्रों की फरवरी माह मकर राशि वाले लोगों का आर्थिक तौर से काफी मजबूती प्रदान करने वाला रहेगा। अर्थात आपको धन लाभ के अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं फरवरी माह में, तो ये काफी खुशी की बात है। स्वास्थ्य की बात करें तो महीने की शुरुआत में थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अंत तक आपकी समस्या स्वास्थ्य संबंधित वो भी खत्म हो जाएगी। मित्रों, मुख्य रूप से स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं देखने को मिलेगी, दांतों संबंधी रोग, बुखार, वायु, गैस संबंधी एसिडिटी, जोड़ों में दर्द, ये सब छोटे मोटे तकलीफ देखने को मिल सकते हैं। आप लोगों के लिए उपाय बताना चाहूंगा मित्रों, शनि स्त्रोत का नियमित पाठ करें और किसी गरीब विकलांग को भरपेट भोजन जरूर कराएं सप्ताह में एक दिन। ऐसा करने से आप देखेंगे आपकी मनवांछित फलों की प्राप्ति होगी और आने वाली अड़चने अपने आप कम होने लगेंगी। इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय माता दी। नमस्कार मित्रों।